नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट सफारी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में हम अपना अगला पार्ट दादी माँ का परिवार, ये जो पार्ट है इस पार्ट में क्या वर्णन दिया है ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। दादी माँ का परिवार ये जो पार्ट है, इस पार्ट में एक दादी माँ है। वो दादी माँ बहुत समझदार है, सुबह वो जल्दी उठती है, पहले सजती है, संवरती है, बाद में खाना पकाती है और दिन भर सारे उसके जो काम है ये सब काम वो यहाँ पे करती है। तो दादी माँ सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करती है या फिर दादी माँ का जो भी वर्णन है वो सब वर्णन इस पार्ट में हमें दिया गया है। तो चलो हम देखते हैं दादी माँ के बारे में यहाँ पे क्या क्या वर्णन दिया है। दादी माँ का परिवार, रमाकांत कान ये है जो इनका ये पाठ हमें दिया है। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1959 को हुआ था खंडेला उत्तर प्रदेश में। उनकी रचनाएं दी है अलग अलग, उन्होंने क्या क्या रचना की है वो, एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं, ये सब क्या है, ये सब रमाकांत जी की रचनाएँ हैं। उनका परिचय यहाँ पे दिया है। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। उनकी ये जो रचनाएं है, ये रचनाएं बाल पत्रिका नाम जो है वहाँ पे सुप्रकाशित या फिर प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। जब भी हमारे पास कोई भी संकट आ रहा है, हमारे ऊपर कोई भी कुछ भी संकट आ रहा है, तो उस समय हमें हमारा दिमाग शांत रखना चाहिए, एकाग्रता के साथ हमें उस संकट का सामना करके या फिर उसका समाधान हमें करना चाहिए, धैर्य और एकता भी हमें समय पर रखनी चाहिए। ये सब हमें क्या दिया है, दादी माँ का परिवार इस पाठ में हमें वर्णन यहाँ पर किया गया है। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुआरती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवार जनों से बतियाती, रात होती सो जाती, दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवार जन फल फूल रहे थे। यहाँ पे क्या दिया है, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी, वो क्या करती थी, वह निपट अकेली रहती थी, खुद ही पूरा दिन घर में रहती थी और खुद पूरा घर का काम वो करती थी। वो सुबह जल्दी उठती थी, बाद में खुद को संवारती थी, फिर आंगन वगैरह है वो सब अच्छे से करके खाना बनाने के बाद वो खाना खाती भी थी। उसके परिवारजन जो भी थे उन सबसे वो अच्छे से बात भी करती थी और रात हो जाने पर वो सो जाती थी। इस तरह उस दादी माँ का दिन अच्छे से गुजरता था और उसके परिवार भी अच्छे से थे, परिवार के सदस्य भी सब अच्छे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था, घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया, चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। यहाँ पे क्या दिया है कि अभी दादी माँ के परिवार की कहानी सुनो, ऐसे हमें यहाँ पे लेखक बता रहे हैं। तो परिवार क्या है, तो यहाँ पे दादी माँ अच्छी थी, समझदार थी, सयानी थी। घर के आंगन में दादी माँ का जहाँ पे घर था उस आंगन के बाहर एक बरगद का पेड़ था, उस पर एक घोंसला बना था और उस पर एक चिड़िया रहती थी, उसका नाम नीलू था। सुबह जब भी दादी माँ उठती थी और आंगन बुहारती थी तब ये नीलू है फुदकते फुदकते दादी माँ से बात करती थी या फिर चिंचिया थी। चिंचिया ना मतलब क्या, जो चिड़िया बोलती है, चिड़िया जो आवाज़ निकालती है उसे फुदकना और चिंचियाना बोलते हैं। एक और थी दादी माँ की साथिनी चिंकी चूहिया, पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगाती, यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि खुश होती तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वो भी नहीं रहती थी सुखी। यहाँ पे क्या दिया है, तो उसके अलावा एक और चिंकी नाम की चूहिया भी दादी की साथिन थी, वो पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी और दिन भर दादी माँ के घर में दौड़ती रहती थी। तो ये क्या था, दादी माँ का परिवार था। अगर दादी माँ खुश रहती थी तो ये सब भी खुश रहते थे, दादी माँ अगर दुखी है तो ये भी दुखी रहती थी, और ये सब दादी माँ का परिवार अगर खुश है तो दादी माँ भी खुश रहती थी।
ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर और अच्छे बच्चे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को दो बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भोले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चों घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। यहाँ पे क्या दिया है कि ठंडी के दिन थे, और ठंडी के दिनों में क्या हुआ था, नीलू चिड़िया ने अंडे दिए थे। उन अंडों में से नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे सुंदर से दो बच्चे बाहर आए थे। उनका नाम फिर टीनू और मीनू रखा गया। सबने मिलकर उन दोनों का बहुत ख्याल रखा। चिंकी को दो बेटों के उपहार में मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती। तो ये जो है, ये चिंकी को भी दो यहाँ पे चुस्कू मुस्कू नाम के बेटे हुए थे, और दादी माँ उनका भी अच्छे से ख्याल रखती थी, स्नेह प्यार से उनको दुलारती। अगर ये बच्चे रोने लगते तो दादी माँ उनको शांत कराती थी। ऐसे हंसते खेलते खाते गाते सब लोग अच्छे से रह रहे थे। खेल खेल में वो लड़ भी पड़ते, दादी माँ उन्हें समझाती। कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़ो टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान भरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं, एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उन्हें लाभ गिनाती। यहाँ पे क्या दिया है कि खेल खेल में सब लोग लड़ते भी थे, लेकिन दादी माँ क्या करती थी, दादी माँ उन्हें अच्छे से प्यार से उन्हें समझाती थी कि बच्चों मत लड़ो, मत झगड़ो, इन झगड़ों में मत पड़ो। आप क्या करो, आप एकता का ध्यान कर लो, आप एकता से रहो, सब मिलकर एक साथ रहो। तभी तो कहते हैं ना, एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। मतलब दादी उनको कहती थी कि जहाँ पे एकता है वहाँ पे ही खुशहाली यानी हंसी खुशी से परिवार रहता है। तो इस तरह ये सब परिवार यानी कि दादी माँ का परिवार हंसी खुशी से रहता था। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनका लाभ गिनाती। दादी माँ उन्हें रोज एकता के जो लाभ है वो रोज उनको बताती थी, रोज उन्हें अच्छे से समझाती थी। एक बार संकट आ गया, चिड़िया में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, सब बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धाग उगे हुए थे रात, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। एक बार क्या हुआ, तो बहुत बड़ा संकट आ गया। चिड़िया जो है अपने दोनों बच्चों के साथ दाना चुगने गई थी। तो अब क्या हुआ वहाँ पे, तो सूरज की किरणें ढल रही थी, शाम का वक्त था और चिड़िया वहाँ पे दाना चुग रही थी। अचानक क्या हुआ, अचानक मुनमुन को ध्यान आया कि उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं वह खाली है। कि यहाँ पे सासू माँ है वो आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, पूरा घोंसला अभी खाली है, ऐसा भी वो बोल रही थी दूसरों। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। क्या हुआ यहाँ पे कि वो घर जाने को निकल रही थी और सबको उसने टाटा बाय बाय किया, और जब वो उड़ने ही वाली थी तो वो उड़ नहीं पा रही थी, तो कहाँ पे तो नीचे फंसी हुई थी। फिर वो चिल्लाई, अरे मैं तो फंस गई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी और उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि नीलू उसके पास जाने लगी, और उसकी फिर भी नीलू को बाद में समझ में आया कि कुछ तो यहाँ पे मुश्किल में हम फंसे हैं। फिर वो बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, और चिल्लाई, अरे हम सब उलझ गए हैं, ऐसे चिल्लाने लगी। बहेलिया के जाल में फंस गए हैं, ऐसे भी उसने बताया। बहु तेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए, चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारा यत्न यत्न यानी क्या प्रयत्न किया उसमें से निकलने की, और बाद में घर जाने की जो आस है वो धीरे धीरे उनमें से खत्म होने वाली थी। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल,
आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें भी सोचने लगी। सबके हाल वाकई बहुत खराब हुए थे और सबके मन में बच्चों का ख्याल आ रहा था। सिसक सिसक कर रोने लगी। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। यहाँ पे सब लोग सिसक सिसक कर रोने लगे, लेकिन उनमें नीलू टीनू और मीनू एकदम शांत थे। हालांकि वो चिंता में थे, वे भी क्लांत, वो भी एकदम शांति से बैठे थे और चिंता कर रहे थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई दी उनने एकता की दुआई। दादी माँ ने जो उन्हें सीख सिखाई थी एकता की, वो सब लोग सबको बताने लगे। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनकम कर वह बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे, हार गए हैं, जान में फंसे हुए हैं, चाहे कितने भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ न कर सकते। यहाँ पे मुनमुन बोल रही थी कि हम सब में एकता है, हम यहाँ पे लड़ नहीं रहे, लेकिन हम खुद ही जान में फंसे तो हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, ऐसे यहाँ पे मुनमुन बातें कर रही है। टेनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पता, टीनू ने समझाई युक्ति। तो यहाँ पे क्या हुआ, टीनू क्या बोली कि इतने में ही डर गए हम सब एकता से जीत जाएंगे, हमें डरना नहीं है। तब तो मुनमुन बोली, कैसे दिखाएंगे एकता, तुम खुद ही बताओ, तुम खुद ही हमें समझाओ। तब टीनू ने समझाते हुए आगे बोल रही है, उससे मिल सकती थी मुक्ति, योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी, 1 2 3 4 उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। टीनू को क्या युक्ति सूझी थी यहाँ पे कि मुझे युक्ति सूझी है, क्या करेंगे कि जब भी मीनू बोलेगी 1 2 3 4 तो हम सब एक साथ उड़ने को तैयार रहना चाहिए और हम सब एक ही दिशा में एक साथ उड़ेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4 उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए, गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बाद में क्या हुआ कि सब लोग उड़ने के लिए तैयार थे। फिर मीनू 1 2 3 4 जैसे ही बोली, सब ने अपने पंख फड़फड़ाना चालू कर दिया और सब एक साथ उड़ रहे थे। बाद में क्या सा, सब जाले को लेकर ही सब एक साथ उड़ गए। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़िया चिड़िया तनिक न सकूचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे, चिंचित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए, चिंकी की आंखों में आंसू आए, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे, दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लान। अभी क्या हुआ, सब लोग ऐसे ही उड़ के दादी माँ के घर पे पहुंच गए। फिर वहाँ पे जो बहेलिया था जिसने जाल रचाया था, वो ऐसे ही ठगा रह गए कि चिड़ियों ने ये किया कैसे, चिड़िया एक साथ उड़ी कैसे। लेकिन उसको तो चिड़ियों के एकता के सामने हार माननी पड़ी थी। और जैसे वो दादी माँ के घर पहुंचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि दादी माँ और जो चुस्कू मुस्कू थे वो मुंह लटका के हुए बैठे थे, दादी माँ का चरखा भी एक साथ शांत था, दादी माँ कुछ भी काम नहीं कर रही थी। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें से नीलू टीनू मीनू प्यारे, विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका, एक साथ आंगन में उतरे मानो वे मित्र हो गहरे। यहाँ पे क्या दिखा बाद में कि थोड़ी ही देर में आंगन में बहुत सारे पंछी यहाँ पे दिखे दे, वो एक साथ नीचे आके उतरे थे, तो उनमें नीलू टीनू मीनू ये भी वहाँ पे थे और सबका बहुत बुरा हाल हुआ था। और ऐसे लग रहा था कि सब लोग एक साथ है, उनको एकता की समझ अब आ गई है कि मानो वो अभी मित्र बन गए। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी वो बोली, देख उनने वह यो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। तो दादी माँ उन्हें बोली कि क्या हुआ था, इतनी देर क्यों लगी, सब कुछ ठीक ठाक है ना, ऐसे दादी माँ उन्हें पूछ रही थी। तो नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया, यो पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई, यही अच्छी बात हुई है।
बाद में नीलू ने दादी माँ को पूरा जो भी किस्सा हुआ सब वहाँ पे अच्छे से समझाया। फिर दादी माँ ने हंसी और बोली कि तीनू मीनू बहुत समझदार है, तभी तो उन्होंने अच्छे से सब ये किया। जान तुम्हारी बच गई, यही बात सबके लिए अच्छी है, ऐसे दादी माँ यहाँ पे सबको बोल रही है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकलो। कि यहाँ पे पंछी बोल रहे हैं कि सच है हमारी जान बची है, लेकिन फिर भी अभी तक हम यहाँ पे जाले में फंसे हैं, तो हमें बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। तो दादी माँ अब क्या हुआ, दादी माँ यहाँ पे मुस्कुराने लगी और उन्हें राज की बात अभी बताने लगी। उंगलियाँ उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही शक्ति है। दादी माँ क्या बोली कि यहाँ पे उंगली उठाकर बोलने रहेगी, जो एकता है वहाँ पे शक्ति है, जहाँ पे एकता नहीं है वहाँ पे शक्ति नहीं है। वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हारे बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करो कि हम सब एक है, हम सब में एकता है, लेकिन अभी हम बच कैसे जाए ऐसा हमें कुछ बताओ ताकि हम बच सकते हैं। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए, वह यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते, किसी तरह की तुम झिझक न करो। दादी माँ क्या बोली, सिर्फ पंछियों में नहीं दूसरों के साथ भी हमें एकता रखनी चाहिए, दूसरे भी हमें मदद कर सकते हैं, हम भी दूसरों को मदद कर सकते हैं, और एक 11 भी होते हैं, ऐसे दादी माँ उनको समझा रही है। यहाँ पे एक और एक 11 मतलब क्या, तो ये यहाँ पे कहावत है, सबको एक साथ रहना चाहिए, ऐसे इस कहावत का मतलब है। चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी। तुम लोग क्या करो, तो आप लोग चिंकी से याचना करो, चिंकी आपको इस बंधन से बचा सकती है। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे, आ मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम झोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। दादी माँ ने क्या कहा कि आप चिंकी को याचना करो तो वो आपको बता सकते हैं। तो सबने उसको याचना की, बाद में उन्होंने बोला कि चुस्को मुस्को को भी बुलाओ कि वो भी हमें मिलकर बचाए, हम सब एक साथ रहेंगे। फिर दादी माँ उन्हें बोली कि ऐसे ही सब एक साथ रहो, हम झोली बनकर आप कभी भी हार नहीं पाओगे। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पहने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। तो यहाँ पे क्या था, चिंकी और चुस्कू मुस्कू जाल के पास ही थे, वो जाल के पास गए और जाल काटने लगे और सब पंछी क्या हो गए, आजाद हुए। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, सब चिड़िया क्या हो रही, चिंचिया रही थी। दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब दादी माँ से बात करने लगे और टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू अभी क्या हो रहे, आंगन में खेलने लगे थे। सब थे प्रेम सहन में गए, दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुराई, सबका एक साथ मुंह खुलता। सबने क्या किया, सब भी प्रेम से रहने लगे, मैत्री से रहने लगे, सब दोस्त बन के रहने लगे। सबको दादी माँ की सीख यहाँ पे क्या काम आ गई कि एकता से रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और सब साथ में एक साथ बोले, अंत भला तो सब भला। अगर कहानी का अंत भला है तो सब कुछ भला है, ऐसे यहाँ पे सब एक साथ बोल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। इस पाठ में हमने दादी माँ के बारे में जो भी वर्णन दिया है, या फिर दादी माँ कैसे सजती है संवरती है, कैसे वो अपना पूरा काम दिन भर करती है, ये सब वर्णन हमने इस पाठ में देखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।